नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आए दिन अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है, और इस बार पुलिस ने जो किया है उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कर सकता है। बता दें कि फतेहपुर पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसमें निजी हॉस्पिटल से साइकिल चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ है सिपाही। पीड़ित और निजी अस्पताल के संचालक की माने तो अस्पताल से पुलिसकर्मी उनके स्वीकार के साइकिल चोरी कर ले गया है। मामला सदर कोतवाली के शादीपुर के एक निजी अस्पताल का है। वहीं एसपी राहुल राज का कहना है कि पुलिस लाइन में तैनात सिपाही जो कि नशे की हालत में नर्सिंग होम से साइकिल चोरी कर लाया था, जैसे ही इस बात की जानकारी मुझे मिली हमारे द्वारा सिपाही पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। बजे के लगभग जो है हमारे यहाँ एक स्वीपर है छोटू नाम का, वो अपनी साइकिल ऊपर खड़ी कर देता है। खड़ी करने के बाद पूरा स्टाफ ऊपर चला जाता है और एक स्टाफ यहाँ रहता है, वो सो जाता है। उसके बाद एक पुलिस वाला आता है, पहले पानी मांगता है, फिर उसके बाद आधा घंटे बाद एक घंटे बाद जो भी है वो आया, आने के बाद साइकिल उठाता है और चला जाता है। और मैं प्रशासन के पास सुबह जा कर के चौकी पे इन्फॉर्म करता हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जबकि एक गरीब आदमी है और आज ये साइकिल गई है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और जब प्रशासन ही ऐसा करेगा तो आम जनता क्या करेगी? ये चोरी कहेंगे कि नहीं, इसको चोरी ही कहेंगे भाई। रात में अगर कोई घर से सामान ले जाता है तो उसको चोरी ही तो कहेंगे, उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि साहूकारी है, कि हमें जरूरत है। अगर जरूरत थी तो जब लड़के से इन्होंने पानी मांगा था उसी लड़के से ये साइकिल मांग सकते थे।